हेलो 1059 भाई, मस्त चैप्टर। दुनिया भर का एक्शन, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर का मज़ा। इंट्रो देखो, मैं बातें चालू करता है, फिर लेट्स बिगिन। जैसा मैंने बोला कि हमें इस चैप्टर में दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन मिला है, एक छोटा सा वॉर ही दिख गया है हानकॉक और ब्लैकबियर्ड के बीच का हमें, जो कि अच्छा था। न्यू पीएक्स के बारे में पता चला है, मतलब न्यू पैसिफिस्टा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली है। लेकिन पहले बात करते हैं लूफी मार्को की, ठीक है। मार्को वापस वाइट बेड वाले आइलैंड चले गया। अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि लूफी फाइनली मार्को को मरीन फोर्ड में उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला, मतलब लूफी फाइनली बोल पाया थैंक यू। नाइस। यामाटो का रीज़न भी जो सब बोल रहे थे वही निकला, वानों को बर्बाद करने वाली की बेटी अब वानों को बर्बाद होने से बचाएगी। वेरी नाइस। यामाटो लिटरली लूफी जैसे सेम टाइप का हंसते हुए दिखी है भाई, अच्छा लगा मेरे को तो। काश काश ये सच में स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करती, मज़ा आता। शैंक्स मार्को का थोड़ा टाइम पास दिखाया, मुझे इतना खास नहीं लगा इनका जो भी दिखाया। एक्चुअली इनका कुछ दिखा ही नहीं है, बस शैंक्स लिफ्ट दिया है मार्को को, दैट्स ऑल। लेट्स टॉक अबाउट ब्लैकबियर्ड एंड हानकॉक एंड उनका वॉर। पैसिफिस्टा के बारे में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो कुछ चीज़ें जो हमें इस चैप्टर से पता चली है। पहला कि लूफी ही अभी सबसे कम बाउंटी वाला योंको है, सिंस ब्लैकबियर्ड का बाउंटी लूफी से हद ज़्यादा बढ़ गया है, हानकॉक का बाउंटी भी काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा चीज़ जो कन्फर्म हो चुका है वो ये है कि ब्लैकबियर्ड भी हाकी यूज़ कर सकता है, आर्मामेंट हाकी यूज़ करते हुए दिखा है ब्लैकबियर्ड इस चैप्टर में। एंड हाँ, हानकॉक भी मोस्ट लाइकली कॉन्करर्स हाकी का इन्फ्यूजन नहीं कर सकती, अगर कर सकती होती तो फिर ब्लैकबियर्ड उसको इतनी ईजिली नहीं पकड़ पाता। इसका मतलब कि मैं शायद से सही था, स्मूदी स्ट्रॉन्गर है हानकॉक से। एंड स्ट्रॉन्गर वाला टॉपिक अगर उठ ही गया है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ब्लैकबियर्ड पे ही होगा कि वो एग्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वैसे आई रियली लाइक रेलिंग इन दिस चैप्टर, बैड एस एंट्री के साथ आया लौंडा एंड शैंक्स जैसे मस्त रोक दिया ये मिनी वॉर। एंड शैकी का रिवील भी मस्त लगा मुझे, आई डिडेंट एक्सपेक्ट हर टू बी दी एक्स कैप्टन ऑफ कूजा पायरेट्स। इसका मतलब ये है कि शैकी रॉक्स पायरेट्स में नहीं थी। वैसे आई वॉन्ट टू नो कि ब्लैकबियर्ड हानकॉक को ही क्यों टारगेट किया, पत्थर बनाने वाली पावर से ब्लैकबियर्ड करेगा क्या? अब मुझे नहीं लगता कि ओडा फिर से एक गूगली फेंक के बोलेंगे कि हानकॉक वाला फ्रूट मेरो मेरो नोमी नहीं, कुछ और फ्रूट है। निका फ्रूट वाला सीन इस फ्रूट के साथ नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, विच इज़ वाई मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि ब्लैकबियर्ड क्या सोच के हानकॉक और उसके फ्रूट को टारगेट किया। ऐसा हो सकता है कि हानकॉक से पहले जो कोई भी इस फ्रूट का यूज़र था या यूज़र थी, उसने किसी कैरेक्टर को पत्थर बना दिया एंड ब्लैकबियर्ड उस कैरेक्टर को वापस नॉर्मल बनाने के लिए हानकॉक के फ्रूट को टारगेट किया, ताकि फ्रूट लेके वो पत्थर को जो है अंडू करते, पत्थर कैरेक्टर को अंडू करके नॉर्मल बना दे। बट अब क्योंकि ब्लैकबियर्ड को पता चल गया कि पत्थर बने लोगों को वही वापस नॉर्मल कर सकता है जिसने उनको पत्थर बनाया है, इसलिए अब शायद ब्लैकबियर्ड हानकॉक के फ्रूट को टारगेट नहीं करेगा। हु नोस, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन क्या पता। बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक एड फ्री कॉमिक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत से ओरिजिनल कॉमिक्स एंड मानवास अवेलेबल है जिनका आर्ट बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत जॉनरा के मानवास यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। एंड गेस वॉट, ये सारे मानवास फ्री है। डू चेक देयर वेबसाइट आउट, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कर लेना चेक। इनडायरेक्टली तुम इस चैनल को सपोर्ट ही करोगे लिंक पर क्लिक करके, तो कर लेना। एंड हाँ, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड देयर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, सो या डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पैसिफिस्टास SSG। इस चैप्टर में हमें दो नए पैसिफिस्टास दिखे एंड आई डिडेंट एक्सपेक्ट देम टू लुक लाइक लूनेरियंस। क्यों ये पैसिफिस्टास लूनेरियंस जैसे दिखते हैं सबको पता है, राइट? किंग के फ्लैशबैक में हमने देखा था कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। वेगापंग ने किंग के DNA से और आई शुड से लीनियज फैक्टर से इन पैसिफिस्टास को बनाया है एंड ऑफकोर्स वेगापंग ने वारलॉर्ड्स का भी लीनियज फैक्टर यूज़ किया है इनको बनाने में, तभी एक पैसिफिस्टा हानकॉक जैसे दिख रही है या दिख रहा है जो भी है एंड एक पैसिफिस्टा मीहॉक जैसा दिख रहा है। अब क्योंकि वेगापंग ने इन SSG को बनाया वारलॉर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए, आई एम गेसिंग कि ये न्यू पैसिफिस्टास टोटल में 7 है या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि ब्लैकबियर्ड जैसा कोई भी पैसिफिस्टा हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लैकबियर्ड का लीनियज फैक्टर वेगापंक पे होगा ही नहीं। बाकी जितने भी वारलॉर्ड्स है, हानकॉक, मीहॉक, क्रोकोडाइल, डोफ्लामिंगो, कूमा, मोरिया, जेम्बे, वीविल, बग्गी, लॉ,
इन सब के जैसे दिखने वाले हमें न्यू पैसिफिस्ट्स दिख सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मतलब हानकॉक और मिहोक का तो दिख गया, डॉफी योफी का भी दिख जाए क्या पता। एंड ऐसा भी हो सकता है कि टॉप मरीन्स जैसे कि अकाइनो, किजारो, आओकीजी जैसे दिखने वाले भी न्यू पैसिफिस्ट्स दिखे हमें फ्यूचर में, जो कि बहुत 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 खतरनाक होगा। क्योंकि ये जो नए पैसिफिस्ट्स है ना, ये हद स्ट्रॉन्ग है। ब्लैकबेड ने अपना यामी यामी नोमी यूज़ किया मिहोक वाले पैसिफिस्ट पर, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, ऐसा हानकॉक की बहन ने कहा कि एक स्क्रैच भी नहीं आया है। लूनेरियंस के जैसे ही इन न्यू पैसिफिस्ट्स के पीठ में आग जलता है, इनका डिफेंस और स्पीड हद मस्त है लूनेरियंस के जैसे, वाइट बाल भी है इनका, ब्राउन स्किन भी है। मिहोक वाले पैसिफिस्ट ने तो एक स्लैश से चट्टान काट दिया, एंड हानकॉक वाली पैसिफिस्ट ने तो कुमा वाले पैसिफिस्ट जैसे बीम भी मारा। एंड मिहोक वाले को देखे तुमने एक चीज़ की, मिहोक वाले जो पैसिफिस्ट था उसके हाथ में भी भाई योरू जैसा स्वॉर्ड था। तो दीज पैसिफिस्ट्स आर डैम स्ट्रॉन्ग। मेरे दिमाग में ना इनको देख के एक क्वेश्चन आया कि वेगापंक अब जाके ही क्यों इन पैसिफिस्ट्स को बना पाया। एज यू ऑल नो कि किंग लास्ट लूनेरियन है था जो भी है, एंड वो करीब 30-35 साल पहले ही वेगापंक के हाथों से निकल गया था। तो इतने साल वेगापंक कर क्या रहा था, अभी ही क्यों उसने ये लूनेरियंस के लीनियज फैक्टर वाला PX बनाया? एंड क्या ये फ्रूट यूज़र्स हैं, डेविल फ्रूट यूज़र्स हैं क्या ये? हमें पता है कि वेगापंक नॉन लिविंग थिंग्स को भी फ्रूट खिला सकता है, तो क्या ये भी फ्रूट खा रखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक वेगापंक का मेन मोटिव ही इन न्यू पैसिफिस्ट्स को डेविल फ्रूट यूज़र बनाना था, एंड जब ये मोटिव कंप्लीट हुआ एंड ये पैसिफिस्ट्स रेडी हो गए, मतलब ऐसे पैसिफिस्ट्स बन गए जो कि डेविल फ्रूट भी खा सकते हैं, तब शायद वेगापंक ने इन्हें पब्लिक कर दिया। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, एक्चुअली हो सकता है ऐसा। ऑल्सो ब्लैकबियर्ड को कैसे पता है लूनेरियंस के बारे में, एंड क्यों ब्लैकबियर्ड लूनेरियंस के कॉपी को देख के, कॉपी तो नहीं रोबोट्स को, लाइक न्यू पैसिफिस्ट्स को देख के इतना ज़्यादा डर गया? लूनेरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे आई नो, बट ब्लैकबियर्ड का लूनेरियन से क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए। इसके अलावा कोबी का कुछ हीरो वीरो कुछ पता चला है? मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोबी सीरियसली, ऑल दो आई वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली कैसे कोबी ने ब्लैकबियर्ड को हेल्प किया वांगजी को हराने में। इस चैप्टर में मुझे बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, एंड वो है रेलिग। मतलब रेलिग मस्त था, बट उसके स्वॉर्ड के आसपास थोड़ा ब्लैक लाइटनिंग दिख जाता तो मजा आ जाता। कॉन्करर शाकी करते हुए दिखा है रेलिग, लेकिन थोड़ा इन्फ्यूजन दिखता तो भाई मजा आता ना, ब्लैकबियर्ड उसको देख के अगर उसकी फटती तो उफ भाई मजा आता। बाकी तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चैप्टर, मज़ा आया चैप्टर रीड करके, बिना स्पॉइल हुए रीड करता तो और मज़ा आता आई एम श्योर। तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट से बताओ। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, नाइस। वैसे आई वंडर कोबी गायब कहाँ हो गया है, ऑल द आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोबी, बट अगर ब्लैकबियर्ड उसको लेके गया तो ये तो जानना है भाई कि क्यों लेके गया है ब्लैकबियर्ड उसको। भाई हीरो वीरो बन गया है भाई वो गार्ब जैसे। गार्ब को हीरो मान लूँ भाई मैं, लेकिन वो कोबी को नहीं मान सकता मैं, ठीक है। चलो मैं निकलता है, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।